हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बार की तरफ से जो बम्पर इक्विपमेंट आया, इससे रिलेटेड आपने नोटिफिकेशन रेट का लिया होगा। इसके जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन हमने क्रिएट किया है आपके लिए, जिसमें कि हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कम समय में आपको दे दें, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन रहेगा, जो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पर हम आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या यहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एज क्राइटेरिया जो भी है बहुत ही कम रखा गया है, इसके बारे में लास्ट में हम बात करेंगे। चलिए, जो ये नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, इससे रिलेटेड हम यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन हमने आपके लिए क्रिएट किया है, तो चलिए उस पर चलते हैं। ये फ्रेंड्स आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जिसमें हम आपको कम समय में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो जैसे फर्स्ट डाउट आपका रहता है कि जॉब यहाँ पे, क्योंकि दो साल यहाँ पे ट्रेनिंग कराएंगे, तो इसके बाद क्या होगा, परमानेंट होता है कि नहीं होता, तो ये जॉब कम्प्लीटली परमानेंट होता है। वहाँ पर ये लिखा रहता है कि आपका दो साल ट्रेनिंग कराया जाएगा, इसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो यहाँ पर ये जो भी हम बता रहे हैं ये इंडिपेंडेंट कैटेगरी टू के लिए यहाँ पर है, जो कि इसमें आईटीआई स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे, जो कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए टोटल पोस्ट यहाँ पे 2946 है, और ट्रेड वाइज अलग अलग वैकेंसी है, वो भी हम आपको लास्ट में दिखा देते हैं। एज क्या रखी गई, एज यहाँ पे 18 से 22 वर्ष रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें, क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे 10+ आईटीआई है। अगर आपने किसी भी डेट से आईटी 2 ईयर का किया हुआ है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने 1 ईयर का आईटी के ट्रेड से हैं, जैसे वेल्डर ट्रेड से हैं आप, तो आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो 3 स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। नंबर 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट, दूसरा है एडवांस टेस्ट, तीसरा है स्किल टेस्ट। तो अगर आप प्रीलिमिनरी टेस्ट निकाल लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो आपको एडवांस टेस्ट देने को मिलता है। एडवांस टेस्ट अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं, 40+ अगर आप सही कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको लगभग वैसे तो 45+ सही करना होता है, तभी आपका फाइनल में होता है सिलेक्शन। अगर यहाँ पे 40+ भी आप 42-47+ भी सही करेंगे, तो आपको यहाँ पे 100% आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पोस्ट 2946 है, ये ट्रेड वाइज कितनी है ना, ट्रेड वाइज वैकेंसी देख लीजिए। फिटर की टोटल वैकेंसी है 698, टर्नर अथवा मशीनिस्ट, जो टोटल दोनों ट्रेड को मिला के यहाँ पे 213 पोस्ट है। वेल्डर के लिए यहाँ पर 99 पोस्ट है। मैकेनिक टूल मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 18। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल वैकेंसी 399। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 226 है। इसके अलावा आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपका 192 टोटल पोस्ट हैं, और इसके अलावा आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन में मैकेनिक में आपके टोटल पोस्ट 95 हैं। इसी प्रकार से अलग अलग आप किसी इनमें से किसी भी ट्रेड से आपने आई टी आई किया हुआ है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया कितने इसमें कितने क्या टोटल पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका देख लीजिए एसएससी मतलब कि हाई स्कूल, इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि विथ साइंस एंड मैथ्स, तो जो आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10th होना चाहिए, प्लस क्या इन्होंने कहा है कि विथ ए मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 60% होना चाहिए, मतलब कि हाई स्कूल में मिनिमम आपके 60% होने चाहिए। तो आपका हाई स्कूल में अगर आप 60% नहीं हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट 2013 से पहले के बैच के हैं ना, तो आपको पता है उस समय प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं मिलते थे, तो बहुत से स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छे होते थे, लेकिन उस टाइम उतना नंबर नहीं मिलते थे, तो उन स्टूडेंट्स के नंबर 60% से कम है, तो बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं कि पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं वो, अगर फॉर्म भरने के लिए उनको मौका दिया जाए तो जॉब भी पा लेंगे, लेकिन परसेंटेज उस टाइम मार्क्स कम मिलते थे, इस वजह से उनके परसेंटेज कम है, तो उन स्टूडेंट्स के साथ भी ये दिक्कत है। वो भी इनकी भी ये मांग है कि 60% क्राइटेरिया जो है उसको 50% किया जाए। मेरे अकॉर्डिंग भी 50% होना चाहिए, जो हर वैकेंसी में होता है कि मिनिमम 50% अगर है, मतलब स्टूडेंट्स पास होना चाहिए, अगर पास है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 2013-2011 के पहले जो है वहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिलते थे, आपको पता है कि 180 नंबर जब मिलते थे, तो इसके बाद
परसेंटेज काफ़ी अच्छे आने लगे, है ना। तो ये सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं। तो अभी सर अभी जो क्या है नोटिफिकेशन में वो आपको समझना पड़ेगा। तो टेंथ होना चाहिए साइंस और मैथ सब्जेक्ट से, और इसके अलावा टेंथ में आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फिर इसके बाद क्या इन्होंने कहा है कि प्लस मतलब कि इसके अलावा क्या मांगा इन्होंने, ट्रेड सर्टिफिकेट। जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस ट्रेड से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप फिटर से हैं तो आप फिटर का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। डाउट रहेगा स्टूडेंट्स का SC VT से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, तो इन्होंने यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि NCVT या SCVT, मतलब कि उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आप भर सकते हैं, SCVT से भी हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इन्होंने क्या मांगा है, केवल इन्होंने NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा है, जो कि SCVT से जो भी आपका सर्टिफिकेट मिलता है वो हमारा क्या होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मांगा है 2 ईयर का यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर 1 ईयर का सर्टिफिकेट है तो प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, जो कि हमने आपको बताया कि क्या कैटेगरी ट्रेड वाइज कितनी वैकेंसी वो हमने आपको बता दी। फॉर्म कब से भरे जाने हैं, तो ये आज ही से 24 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने हैं। क्लोजिंग डेट क्या है इसकी, क्लोजिंग डेट 22 मई है, तो देख लीजिएगा क्लोजिंग डेट से पहले ही फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिलअप क्या है, फॉर्म फिलअप का मोड क्या है, ऑनलाइन मोड है, आप ऑनलाइन फॉर्म को भरना है, ऑफलाइन यहाँ पे नहीं भरना है। फॉर्म फीस क्या यहाँ पे रखी गई, 100 रुपये जनरल एंड OBC कैटेगरी के यहाँ पर रखी गई, अदर कैटेगरी SC ST एंड PWD और यहाँ पर हम बात करें गर्ल्स के लिए यहाँ पे फॉर्म फीस कोई भी नहीं रखी गई। एग्ज़ाम डेट की बात करें, एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो एग्ज़ाम इसका अभी 2 से 3 मंथ तो नहीं होगा, आराम से आप 3 मंथ प्रिपरेशन करिए। इसके लिए हम आपके लिए मॉडल पेपर लाने वाले हैं, टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, और जो आपकी जो हम आपके निम्मी थ्योरी क्लास करवा रहे थे वो भी हम आगे कंटिन्यू करवाएंगे। तो आप लोग का फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लासेस चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लोगों का फीडबैक तो बहुत अच्छा था, तो वो किसी कारणवश आगे वो क्लासेस नहीं हो पाई और इसके बाद फिर DRDO का एग्ज़ाम हो गया, तो वो क्लासेस रुक गई थी। तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने आपको निमी थ्योरी क्लास करवाई थी। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट सीरीज आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कंप्लीट हम आपको दे देंगे। तो क्लासेस को वॉच करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम डेट आपका 3 मंथ बाद होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, लेकिन आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बता दे चलते हैं कि क्वेश्चन है जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या एज क्राइटेरिया चेंज हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर आप एकता के साथ, यूनिटी के साथ अगर आप वर्क करोगे तो बिल्कुल। अगर कुछ स्टूडेंट मॉर्निंग में ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं या अदर अलग अलग टाइम पर ना ट्वीट करें, एक ही टाइम पर एक ग्रुप बना के ट्वीट करें कि हमें 5 PM में या 6 PM में या 7 PM एक टाइम पर ट्वीट करें ज़्यादा से ज़्यादा, या जब आपको टाइम मिले तब आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम पर फोकस करें। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है जीमेल पे ध्यान दें, जीमेल के द्वारा आप मैसेज करें जो भी आपका प्रॉब्लम है एज क्राइटेरिया से। लगभग 18 से 28 लगभग सभी वैकेंसियों में एज रखी जाती है, तो 18 से 28 एज होनी चाहिए जिससे कि सभी स्टूडेंट फॉर्म को भर सकें, है ना। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया का भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन का यहाँ पे रहता है कि परसेंटेज, तो 60% को यहाँ पे 50% किया जाए, है ना। इससे क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को मौका मिलेगा, अच्छी वैकेंसी है, तो आप सभी स्टूडेंट मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो यही है कि आप जीमेल के द्वारा आप मैसेज करिए, ट्विटर पे आप मैसेज करिए, है ना, ट्रेंड करवाइए चीज़ों को, अपनी बात को रखिए। सभी स्टूडेंट जब सामने आएंगे, सभी स्टूडेंट अपनी बात रखेंगे, तो इससे क्या होगा, आप लोग की जीत होगी, क्योंकि इसके पहले CRPF वैकेंसी में भी एज क्राइटेरिया को चेंज किया गया था, तो आप लोगों का भी चेंज किया जाएगा अगर आप आगे आते हैं। ये नहीं कि आज मैसेज कर दिया फिर कल नहीं, डेली आप मैं जीमेल से मैसेज करिए, है ना, डेली आप ट्विटर पे ट्वीट करिए, तो आपकी बात सुनी जा सकती है। 100% तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, अगर कंपनी BharatTE ऊर्जा विभाग जो भी आप कहें अगर वो कर सकती तो बिल्कुल करेगी। आप बस आपको मेहनत करते रहना, आपको कहते रहना है, मैसेज भेजते रहना है, ट्विटर पे ट्रेंड करवाते रहना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।